दोस्तों नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री के तौर पर अपना दावा पेश किया था और वो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे तो उस समय उन्होंने दो लोकसभा क्षेत्र चुनने के लिए अपने लोकसभा में जाने के लिए चुने थे बड़ोदरा गुजरात जहां से वो आते हैं और दूसरा उत्तर प्रदेश का काशी यानी कि बनारस दोनों जगह से जीते लेकिन उन्होंने काशी को बनारस को अपना लोकसभा क्षेत्र बनाने का फैसला किया और फिर 2019 में भी वो वहीं से सांसद हैं सब जानते हैं कि अब नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बनारसी हो चुके हैं बनारस गंगा काशी ये उनके एक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं काशी विश्वनाथ का रिन्यूएशन हो वाराणसी को लेकर उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सब लोग जानते ही हैं और इस पर 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के और आपको जानते हैं कि हिंदूवादी सोच के व्यक्ति भगवा पहनने वाले व्यक्ति को सीएम बनाया नरेंद्र मोदी ने तो कुछ उनकी सोच रही होगी वो निश्चित रूप से समझ रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश को अवॉइड करके आप आगे सस्टेन नहीं कर सकते कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में जीरो है तो पूरे देश में जीरो है ये सब लोग जानते इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने लगातार उत्तर प्रदेश पर फोकस बनाए रखा अभी 2019 में जब चुनाव हो रहे थे उस समय तरह तरह की चर्चाएं चली बाद में 2022 का जब विधानसभा चुनाव आया उत्तर प्रदेश का तो उस समय चर्चा चली कि योगी को हटा दिया जाए किसी और को सी बना दिया जाए लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने ये रियलाइज़ किया कि योगी आदित्यनाथ ने जो अपनी पैठ बनाई है और जो बीजेपी के हिंदूवादी एजेंडे को जिस तरीके से राम मंदिर के रूप में और दूसरी चीजों के रूप में आगे बढ़ाया है योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प है नहीं इसी वजह से उन्होंने उन्हीं के साथ कंटिन्यू किया और 2022 में जब चुनाव हुए हाल ही में तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ही फिर से सीएम बने मैं ये सब भूमिका आपको इसलिए बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का महत्व नरेंद्र मोदी समझते हैं बीजेपी ने अभी हाल ही में 2024 के लिए और अगले साल अगले कुछ महीनों में लगभग आ, लोकसभा चुनाव से पहले अगर मैं बात करूं लगभग 18-19 महीनों में जिन प्रमुख प्रमुख राज्यों में चुनाव होने हैं उन सभी के लिए एक प्रभारियों की सूची बीजेपी ने जारी की है इसमें मैं फटाफट बता देता हूं फिर आपको डिटेल से बताऊंगा बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े बनाए गए हैं उनके सह प्रभारी हरीश द्विवेदी छत्तीसगढ़ के ओम माथुर सह प्रभारी नितिन नवीन दादर नगर हवेली के विनोद सोनकर बनाए गए हैं प्रभारी हरियाणा के विप्लभ कुमार देव झारखंड के लक्ष्मीकांत वाजपेयी केरल के प्रकाश जावड़ेकर और राधामोहन अग्रवाल लक्षद्वीप के डॉक्टर राधामोहन अग्रवाल मध्य प्रदेश के पी मुरलीधर राव पंकजा मुंडे रा, डॉक्टर रमाशंकर कठेरिया पंजाब के विजय रूपाणी और नरेंद्र सिंह रैना तेलंगाना के तरुण चुग और अरविंद मेनन चंडीगढ़ के विजय रूपाणी राजस्थान के अरुण सिंह और विजया राहटकर त्रिपुरा के डॉक्टर महेश शर्मा और पश्चिम बंगाल के मंगल पांडे अमित मालवीय और आशा लकड़ा और नॉर्थ ईस्ट का जो प्रदेश है सारे संबित पात्रा को उनका संयोजक बनाया गया है देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बिल्कुल अलग तरीके की बताना चाहूँगा जो शायद कोई आपको ना समझा पाए उस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो महत्व है वो इस पूरी टीम से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है बीजेपी ने इस टीम में जो नाम चुने हैं उनमें से आठ नाम उत्तर प्रदेश के हैं और इनको अलग अलग पंद्रह राज्यों में जिम्मेदारियां दी गई हैं मैं डिटेल से बताता हूँ क्यों और इनमें इनका क्या महत्व है बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और राज्यसभा के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से अरुण सिंह उन्हें राजस्थान का इंचार्ज बनाया गया है और आप सब जानते हैं कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी वहाँ पर कम करने की कोशिश कर रही है ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अरुण सिंह को दी गई है और राजस्थान उन राज्यों में से एक है जिन्हें बीजेपी फिर से ग्रैप करना चाहती है अगले साल वहाँ पर चुनाव होना है और आप सब जानते हैं कि वहां का जो सीन है वो कितना टफ है और कांग्रेस खुद अंतर्द्वन से जूझ रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में इसके अलावा बीजेपी के सांसद हैं बस्ती के हरीश द्विवेदी हरीश द्विवेदी को सहयोगी सह इंचार्ज बनाया गया है बिहार का और यह एक बहुत बड़ा स्टेट है उन्हें शायद इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि बस्ती बिहार से लगता हुआ इलाका है और इसलिए उन्हें वहाँ की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है ब्राह्मण फेस हैं हरीश द्विवेदी और इसके अलावा आप जानते हैं कि अभी हाल ही में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उसका घटनाक्रम बिहार का कि सारी राजनीति वहाँ की बदल गई है किस तरीके से वहां पर नीतीश कुमार ने पलटी मारी आर के साथ चले गए और वो दो के लिए अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे एक महत्वपूर्ण स्टेट की जिम्मेदारी हरीश द्विवेदी को दी गई है दूसरे गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जो पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे 2014 में जो मोदी की सरकार बनी थी पिछले दिनों एक प्रकरण हुआ था जिसमें त्यागी वर्सेस बाकी बीजेपी को लेकर एक एक आ, वहाँ पर लोकल श्रीकांत त्यागी नाम का नेता था उसको लेकर महेश शर्मा को टारगेट करने की कोशिश की गई थी लेकिन बीजेपी ने उनकी कैपेबिलिटी को रियलाइज़ किया है और उन्हें त्रिपुरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है जहां पर अगले साल चुनाव होना है बीजेपी की वहां सरकार है विप्लव कुमार देव को हटाकर डॉक्टर साहा को अभी हाल ही में वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के लिए त्रिपुरा और वहां की जिम्मेदारी डॉक्टर महेश शर्मा को दी गई है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लंबे समय से लगभग दशकों से वहां पर कम्युनिस्टों का राज था और बीजेपी ने एक ही बार के प्रयास में उनके तख्ता पलट कर दिया था इस तरह की जिम्मेदारी उनको दी गई है इसके अलावा इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के तो ब्राह्मणों को बीजेपी से जोड़ने की जिम्मेदारी भी महेश शर्मा को दी गई थी तो यह महेश शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है दूसरे एक बीजेपी के सांसद हैं रमाशंकर कठेरिया इट इत, इटावा के सांसद हैं ये और दलित फेस हैं इन पर भी भरोसा जताया गया है और इन्हें बनाया गया है मध्य प्रदेश का सहप्रभारी क्योंकि ये इटावा से नज़दीकी पड़ेगा मध्य प्रदेश यहाँ से आसानी से कवर कर लेंगे और मध्य प्रदेश में दलित वोट बैंक को लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रही है अगले साल चुनाव होना है और बीजेपी हर हाल में यहाँ पर अपनी सरकार वापस लाना चाहती है पिछली बार यहाँ सरकार चली गई थी कमलनाथ की सरकार बन गई थी वो तो शुक्र था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इधर आ गए और सरकार बनवा दी उन्होंने बगावत करके फिर से शिव शिवराज सिंह चौहान की तो इस तरीके से उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी कठेरिया को भी दी गई है दूसरी ओर मेरठ के राज्यसभा सांसद हाल ही में बनाए गए हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी कई बार सांसद रहे हैं पहले मंत्री भी रहे हैं और 2014 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उस समय उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी थे बड़े सीजेंड कंपेनर हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि पार्टी संगठन की जानकारी उन्हें बहुत बढ़िया है अभी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तो उसमें ज्वाइनिंग कमेटी का हेड इनको बनाया गया था और ब्राह्मणों को जोड़ने की बात बीजेपी से इन्होंने की थी और ज्वाइनिंग कमेटी का हेड बनाए जाने का मतलब ये होता है कि जो लोग दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं उनके बारे में जानना कि इन्हें हम लें या नहीं हमें कुछ फायदा है या नहीं या इन लोगों की बैकग्राउंड क्या रही है ये सब जानना था और बढ़िया नेताओं को इन्होंने अच्छी खासी ज्वाइनिंग कराई थी बीजेपी में तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी एक जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें झारखंड का प्रभार दिया गया और झारखंड एक बहुत ही टिपिकल स्टेट इस समय बीजेपी के लिए बना हुआ है वहाँ पर हेमंत सोरेन के खिलाफ डिसक्वालिफिकेशन का मामला चल रहा है अभी तक उस पर कुछ फैसला नहीं हुआ है वहाँ पर कांग्रेस के सांसदों पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा उन्हें खरीदना चाहते हैं और बीजेपी सरकार गिराना चाहती है तो बीजेपी इस राज्य के लिए छोटे से राज्य के लिए बहुत कंसर्न है लेकिन यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या अच्छी खासी है तो इस वजह से बीजेपी ये चाहती है कि हम इस पर फोकस बनाए रखें और झारखंड उनकी प्रायोरिटी वाला राज्य है इसके अलावा एक और नाम जो इन प्रभारियों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश से है वो हैं राधा राधा मोहन दास अग्रवाल राधा मोहन दास अग्रवाल वो शख्स हैं जो गोरखपुर शहर सीट से विधायक रहे लंबे समय से 2002 से शायद रहते आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए इन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे और यहाँ से जीते भी थे और राधा मोहन दास अग्रवाल को फिर उसके बाद राज्यसभा में भेजा गया तो राधा मोहन दास अग्रवाल को को इंचार्ज बनाया गया है केरल का और इंचार्ज बनाया गया है लक्षद्वीप का उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और केरल जैसे राज्य में जाकर उत्तर प्रदेश के एक नेता को वहाँ जिम्मेदारी सौंपना आप समझ सकते हैं उनकी आर बैकग्राउंड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके काम आ रही हैं इसी वजह से यहाँ पर उन्हें शायद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और केरल में जो उनका मुख्य जिम्मेदारी दी गई है वो प्रकाश जावड़ेकर को दी गई है राधा मोहन दास अग्रवाल उन्हें असिस्ट करेंगे गोसामबी के सांसद हैं विनोद सोनकर उत्तर प्रदेश के दलित फेस हैं और उन्हें दादर नगर हवेली और दमन दीव की जिम्मेदारी दी गई है वहाँ के प्रभारी बनाया गया है उन्हें ये भी एक बड़ा दायित्व है ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर बीजेपी दलित वोटर्स को अपने साथ जोड़ना चाहती है भले ही वहाँ से एक दो सीटें मिलती हैं बीजेपी को या एक दो लोकसभा सीटें ही वहाँ पर हैं लेकिन किसी भी हिस्से को बीजेपी खाली नहीं छोड़ना चाहती और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सह इंचार्ज बनाया गया है अमित मालवीय के जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं उन्हें तो जिम्मेदारी दी गई है वो 2021 में जब वहाँ पर चुनाव हुआ था विधानसभा का पश्चिम बंगाल में वो उसी समय से वहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश की जो वैल्यू है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और उत्तर प्रदेश की वैल्यू को वास्तव में नरेंद्र मोदी ने रियलाइज़ किया है और इसलिए यहाँ के नेताओं को अलग अलग जगह भेजा जा रहा है फिर योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि भाई अगले अगली बार जब चुनाव होंगे 2024 में लोकसभा के तो हम 80 सीट यहाँ से जीतेंगे आप जानते हैं कि 80 लोकसभा सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से पिछली बार यहाँ पर चौंसठ ही ये जीत पाए थे और उससे पहले 70 से अधिक जीती थी और इस बार योगी आदित्यनाथ ने दावा कर दिया है कि जो स्थितियाँ यहाँ बन रही हैं और जिस तरीके से दोबारा मैंडेट बीजेपी की सरकार को यहाँ मिला है उत्तर प्रदेश में तो उनका लक्ष्य ये रहेगा कि दो में यहाँ से अस्सी सीटें जीती जाए तो यहाँ से अगर आठ लोगों को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो ये बात समझ में आती है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह जे पी नड्डा इन सब के रडार पर योगी आदित्यनाथ उनकी टीम यहाँ के सांसद यहाँ के विधायक कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं वैसे ये जो नए इंचार्ज बनाए गए हैं इनमें मुख्यमंत्री हैं जो पूर्व विजय रूपाणी उन्हें पंजाब और चंडीगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो त्रिपुरा के उन्हें विप्लभ कुमार देव हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी गई है सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और सबको यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 2024 के लिए सबको कमर कसकर रहना है लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर यह साबित किया है कि इस देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश को अवॉइड नहीं किया जा सकता और उत्तर प्रदेश के महत्व को नरेंद्र मोदी भी भली भांति समझ रहे हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए कमेंट के माध्यम से मुझे फीडबैक दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और इसको मैंने एक पूरी सीरीज चलाई हुई है आप देख रहे होंगे कि वार ऑफ 2024 इसकी एक अलग से सीरीज हमारे चैनल पर आ चुकी है उस पर बहुत सारे वीडियो हमने बना दिए हैं 2024 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको ये सारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो ये देख लीजिए कि आपने नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं क्योंकि हम अक्सर लाइव आते हैं रोजाना दस बजे हमारा एक शो होता है जिसमें हम सवाल जवाब भी करते हैं तो उस शो का भी आप हिस्सा हमारे साथ बन सकते हैं तो देखते रहिए अर्ज की बात लाइव नमस्कार अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें